डिस्कस करने वाला हूँ आपका HS सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है यार, इस चैप्टर को मैं पूरा पानी पानी कर दूंगा। आप जस्ट देखो, सारा कॉन्सेप्ट जितना भी आपके बुक में है ना, सब अभी ख़त्म हो जाएगा, समझे ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट भी था तो क्लियर हो जाएगा, पूरा NCERT बेसिस में करेंगे, यही नोट भी मिल जाएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। और जो है, अगर नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का सिर्फ ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्लावर के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम 2 में पढ़ेंगे, और एनिमल के बारे में, ह्यूमन के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार इस चैप्टर में सबसे पहला बात कहता है कि पूछता है जो है वो है लाइफ स्पेन के बारे में। ठीक है, कि भैया ये लाइफ स्पेन होता क्या है? अरे भैया लाइफ स्पेन होता क्या है, जीवन का समय है। ठीक है, जन्म हो गए, जन्म हो के फिर मरोगे ना, डेथ। ठीक है, मरोगे तो उस समय का पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, बट नेचुरली डेथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट में होकर मर गया 10 साल में ही, और बोलेगा कि इसका तो लाइफ स्पेन 10 साल ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, कि जो लाइफ स्पेन होता है यार, वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना, लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? कौवा जो होता है, कौवा मात्र 15 साल जीता है। ठीक है, और ये जो पैरट होता है, पैरट 140 साल जीता है। कितना? 140 साल। तो देखो यार, साइज तो दोनों का एक ही है, पर देखो एक 15 साल जीता है, 140 साल जीता है। तो यार ये जो है लाइफ स्पेन साइज पे मैटर नहीं करता। ठीक है, यही सब यार, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे तो मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों करोड़ों पड़े हैं, पर बुक में जो दिया है हम उसी के बारे में देखेंगे, और आप उसी को ध्यान में देख के याद रख लेंगे। ठीक है, अब जो ये फ्रूट फ्लाई होता है, ये सिर्फ एक दिन ही जीता है, मतलब जन्म हुआ, जन्म से एक दिन में ही बड़ा होगा, उसी दिन रिप्रोडक्शन करेगा और फिर मर जाएगा एक ही दिन में, 24 घंटा के अंदर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यार कितना इंटरेस्टिंग है, एक दिन में ही सब हो जाता है। और दूसरा बात करें हम बटरफ्लाई की, तो वो 1 से 2 हफ्ता जीता है। ठीक है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फेसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जिंदगी में क्या फेसेस होता है? ठीक है, जन्म होना, फिर रिप्रोडक्शन करना, फिर मर जाना। ठीक है, 3 फेस होता है ऑर्गेनिज्म का लाइफ में। ठीक है, तो ये जो जन्म है, बर्थ, ठीक है, जन्म से लेके आपका मैच्योरिटी समय तक, ठीक है, मैच्योरिटी का समय तक, अब बात करें इंसान में तो वो कितना होता है, 14 से 15 साल होता है। ठीक है, तो उस पीरियड को हम कहते हैं जुबेनाइल पीरियड और प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड। प्री मतलब रिप्रोडक्शन का पहले का पीरियड। ठीक है, मैच्योरिटी होने के बाद इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली सेक्चुअली एक्टिव हो जाता है, डेट इज कि मेल जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और फीमेल जो होती है उनका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्टिव फेस है, इन केस ऑफ प्लांट हम उसे वेजिटेटिव फेस कहते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, वेजिटेटिव फेस, ससुरा नाम है कि ये बस टाइटल बदल देते हैं लोग, मतलब एक ही है। ठीक है ना, अब रिप्रोडक्शन हो गया, या जन्म हो गया, मैच्योर्ड हो गए, रिप्रोडक्शन कर लिए, तो बूढ़े होगा कि नहीं, मरना है कि नहीं, तो ठीक है, तो वही बूढ़ा होकर मरने का जो समय आता है, तो उसे कहा जाता है एजिंग एंड सेनेसेंस। ठीक है, एजिंग मतलब एज होते गया। इसमें क्या होता है कि आपको बता दूं मैं, नर्वस सिस्टम जो ये सब है, सब डिटोरिएट होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से आपको कम दिखने लगता है, मेमोरी पावर कम हो जाता है, बूढ़े लोगों को देखते हैं ना हम। ठीक है, उसके बाद आता क्या है यार, सबको तो मरना ही है एक दिन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मृत्यु। तो लाइफ के 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। सो भैया ये रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है यार, जन्म देना है, इंडिविजुअल को जन्म देने को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बट इंडिविजुअल सिमिलर टाइप का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुत्ता बिल्ली को जन्म देता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, तो ठीक है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। ठीक है, इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अब भैया ये रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों है? बिना रिप्रोडक्शन का भी तो दुनिया चल सकता था, बात बता रहे हैं हम जस्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों है? तो इमेजिन कीजिए सिर्फ 2 ही बंदे थे। ठीक है, एक था तुम्हारा राम और एक थी तुम्हारी गीता। तो 2 ही अगर इस दुनिया में थे,
पूरा पृथ्वी में इमेजिन कीजिए, और ये अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आज ह्यूमन होता क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग मर जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं तो फिर ह्यूमन का इंडिविजुअल निशान ही नहीं रहता। पर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में मिलन हुआ और रिप्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से और क्या छोटू पैदा हो गया, ठीक है। ये छोटू बड़ा हुआ, दूसरे छोटी के साथ मिला, वो रिप्रोडक्शन किया और बड़ा किया, फिर ये मर जाएगा और बनेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन से स्पेसिस का कंटिन्यूटी बने रहता है, ठीक है, स्पेसिस का कंटिन्यूटी बने रहता है, ताकि उसका ये मर गए तो भी क्या हुआ, अब इसी दो से पूरा पृथ्वी में करोड़ों करोड़ों आदमी भरे पड़े हैं, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है, एक हो गया एसेक्चुअल, दूसरा हो गया सेक्चुअल। अब एसेक्चुअल क्या है? एसेक्चुअल मतलब जहां सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट, ठीक है, और यहाँ गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, ठीक है, नो गैमेट फ्यूजन, नो होता ही नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो गैमेट में फ्यूजन होगा कहाँ से, ठीक है। और सेक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ दो पेरेंट की जरूरत होती है अपोजिट सेक्स की, डेट इज मेल एंड फीमेल, ठीक है। और मेल का गैमेट होता है स्पर्म, पता है आप लोगों को, पढ़े ही होंगे, और फीमेल का जो होता है वो ओवम, ये दो फ्यूज करके आपके बनाते हैं जायगोट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है, जहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसके थोड़ा टाइप को हम डिस्कस कर ले फटाफट बिना टेंशन के साथ। तो पहला जो हो गया फिशन, ठीक है, फिशन मतलब स्प्लिट होना। तो फिशन कई प्रकार के होते हैं, हम बात करते हैं, चलिए बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बोले तो बाय मतलब क्या, दो, ठीक है। उसका एग्जांपल है एमीबा, इस तरीके से एमीबा रहता है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है। ये क्या होता है कि इसमें पहले उसका न्यूक्लियस डिवीजन होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इस तरीके से दो बन जाएगा। उसके बाद एमीबा में जो है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ आपको, उसका जो साइटोप्लाज्म है इस तरीके से, एमीबा दो पार्ट में, उसका एक न्यूक्लियस इधर चला गया, एक इधर है, और साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और बाद में यही जाके एक एमीबा बना देगा और ये दूसरा एमीबा, तो एक एमीबा से दो एमीबा बन गया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इमोर्टल होता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये एमीबा है, एक ही जाके दो बन गया, ये थोड़ी मरा है। अब ये दो, ये इससे क्या होगा, इससे दो बनेगा, फिर इससे दो बनेगा, मर नहीं रहा ना, तो इसलिए इसे इमोर्टल कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को। अब ऐसा नहीं है कि आप खुद ही इस एमीबा को पकड़ के कुचल के मार देंगे और बोलेंगे सर ये तो इमोर्टल हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। नेचुरली अगर नेचुरली देखा जाए तो ये इमोर्टल ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मल्टीपल फिशन के बारे में। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मल्टीपल, मल्टीपल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये दिखता है प्लाज्मोडियम में और एमीबा में भी, बट एमीबा में कब दिखेगा दोस्तों, जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होगा, ठीक है। वैसे केसेस में क्या करता है, ये जो एमीबा है, ये जो एमीबा है अपने आप को सिस्ट लेयर से सराउंड कर देता है, ठीक है, तीन लेयर ऑफ सेल से सराउंड कर देता है, एक दो तीन, समझने का कोशिश कीजिए, डायग्राम सही नहीं है, तीन लेयर से सराउंड करेगा, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं एनसिस्टेशन, क्या एनसिस्टेशन मतलब सिस्ट फॉर्म किया है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में बारिश आ जाए, पत्थर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका अंदर का चीज एमीबा को कुछ नहीं होगा, बाहर में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कवच है इसके पास। तो जब एनसिस्टेशन हो जाता है तो अंदर में ही न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाता है, दुनिया भर का न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है, अपना स्यूडोपोर को अंदर टानेगा और दुनिया भर का स्यूडोस्पोर्स भी आप कह सकते हैं, वह न्यूक्लियर डिवीजन दुनिया भर का करेगा, ठीक है। और जब कंडीशन फेवरेबल आ जाएगा ना, तो ये क्या है कि ये रप्चर कर जाएगा, ये सिस्ट टूट के ये रप्चर करेगा, और ये जितना वहाँ स्यूडोपोर बनाया है उसने, वो जाके इंडिविजुअल एमीबा बनाएगा, देखो इंडिविजुअल, तो बहुत सारा बनेगा। तो इसीलिए ऐसे टाइप का फिशन को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है। और प्लाज्मोडियम भी इसका एग्जाम्पल है, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे डिटेल्स में, ओके दोस्तों। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्रेगमेंटेशन में। नाम से ही पता चलता है फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी सपोज स्पाइरो गायरा है, ठीक है, इसको आप कहीं से भी फ्रेगमेंट अगर इसका गिर गया तो ये जाके नया स्पाइरो गायरा बना लेगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब वही है, कोई भी फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजेनरेशन का।
रीजेनरेशन मतलब क्या, कि ये जो प्लेन एरिया है, सपोज ये प्लेन एरिया है, इसका आप कोई भी पार्ट काट दो तो ये जाके फिर से नया प्लेन एरिया बना देगा। अब इसका मुंडी काट के गिरा दो तो ये नया मुंडी से, ये मुंडी से फिर नया प्लेन एरिया बना देगा। यहाँ से काटो, कहीं भी काटो, नया बना लेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं रीजेनरेशन। ये दो टाइप का होता है, मोर्फालेक्सिस, ठीक है। मोर्फालेक्सिस मतलब कंप्लीट इंडिविजुअल बना देगा कोई भी पार्ट से, एग्जाम्पल है प्लेन एरिया। और दूसरा जो है वो है एपीमोर्फोसिस। एपीमोर्फोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक पार्ट ही रीजेनरेट करता है। एग्जाम्पल है टेल ऑफ लिजर्ट। लिजर्ट का पुछड़ी जो कट जाता है ना, तो उसका टेल ही निकलेगा। पर लिजर्ट का हेड काटो तो उसका हेड से पूरा लिजर्ट नहीं बनने वाला, पर प्लेनेरिया का केस में वो बनता है, ठीक है। तो ये हो गया रीजेनरेशन का बारे में। बडिंग का बारे में बात करते हैं। बडिंग मतलब क्या, कि ये ईस्ट, ये सपोज ईस्ट है तो उसका वहाँ से पहले छोटा सा बड निकलेगा, ठीक है, छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा, और वो आउटग्रोथ में जाके न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, बाद में साइटोप्लाज्म, और ये बड टूट के गिर जाएगा तो नया ईस्ट बन जाएगा। सिंस ये बॉडी का बाहर में बड बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, जो दिखता है आपका हाइड्रा में एंड ईस्ट में, ठीक है। इंटरनल बडिंग हमें कहाँ दिखता है, स्पॉन्जिला में, ठीक है। क्या है वो, वो है गेम्यूल। सपोज ये अगर स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज है तो यहाँ इसका सेल वाला होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में फॉर्म होता है आपका गेम्यूल्स इस तरीके से, ठीक है, गेम्यूल्स इस तरीके से बहुत सारा बनेंगे। सिंस ये बॉडी का अंदर में बन रहा है तो इसे कहते हैं इंटरनल बडिंग, ठीक है। और बाद में ये इधर बाहर निकल जाएगा। और गेम्यूल का स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊँ तो उसका होता है इस तरीके से, यहाँ काफ़ी सेल्स होते हैं जिसे हम आर्कियोसाइट सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ फ्लूड लाइक होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, और इसके बीच बीच में होते हैं आपके स्पाइकल्स, ठीक है, इस तरीके से स्पाइकल्स होते हैं। और यहाँ में रहता है आपका माइक्रोपाइलेन, ठीक है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अब क्या होता है कि ये जो गेम्यूल्स है, ये गेम्यूल्स ये इस तरीके से निकल जाएगा, और ये जो माइक्रोपाइल है ये जगह सबस्टेटम में इस तरीके से चिपक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से चिपक के नया स्पॉन्जिला बना देगा, ठीक है। दोस्तों मैकेनिज्म बता दिया बढ़िया से, एग्जाम्पल ही याद रखना है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। अब ई का है, अरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है, पर इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब सिंगल पेरेंट है, उसे कहेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। और प्लांट का जो पार्ट से वो पूरा प्लांट बनेगा, उस पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता है। जैसे जिंजर का केस में देखें तो राइजोम होता है, ठीक है, जिंजर का केस में देखें तो राइजोम होता है। ब्रायोफ्लाम का कहते हैं तो लीफ बर्ड होता है, देखो इस तरीके से लीफ बर्ड होता है, ठीक है। जब ये लीफ टूट के गिर जाएगा जमीन पे, तो ये इंडिविजुअल लीफ बर्ड जाके नया ब्रायोफ्लाम बना देगा, ठीक है। पोटेटो का केस में ट्यूबर होता है, जिसे हम पोटेटो आई भी कहते हैं। इकोनिया का केस में होता है आपका ऑफसेट, ठीक है, ये देखिए ऑफसेट, एक इकोनिया रहेगा, फिर उसका ऑफसेट इस तरीके से ग्रो होगा, फिर दूसरा इकोनिया बना लेगा, ठीक है दोस्तों। और तीस और बाद में हो गया आपका एगेप का केस में, हो गया आपका बल्बिल, ठीक है, और रनर हो गया आपका मिंट का केस में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सम एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या क्या है लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो यार है वो जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड एंड गेम्यूल्स, पढ़ते हैं आप। चलिए क्लेमाइडोमोनास के केस में होता है आपका जूस्पोर, ठीक है, इस तरीके से होता है आपका जूस्पोर। तो देखिए इसका फ्लैजेला होता है ये रहा, मतलब क्या, जूस्पोर मोटाइल है, ठीक है। और दूसरा चीज जो है, जूस्पोर जो है देखिए बॉडी का अंदर में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये एंडोजेनसली फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आते हैं हम कोनिडिया के बारे में, जो कि पेनिसिलियम के केस में दिखता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, बाद में इस तरीके से कोनिडिया फॉर्म होता है दुनिया भर का, इसे हम कहते हैं कोनिडियो स्पोर्स, और ईच को कहते हैं कोनिडिया। ये जब ईच टूटेगा तो हर कोनिडिया का पावर है कि नया पेनिसिलियम बना देगा, ठीक है दोस्तों। अब हाइड्रा का केस में आते हैं, उसका जो होता है वो होता है बर्ड, एक छोटा सा बर्ड होता है, वो टूट के गिर जाएगा तो नया हाइड्रा बना देगा, ठीक है। और स्पॉन्जेस का हमने पढ़ा ही है, गेम्यूल्स अभी, ठीक है, जो कि बडिंग से होता है, इंटरनल बडिंग, और हाइड्रा जो होता है वो एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है और जाके बनता है जायगोट, ठीक है, और उसी जायगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो चलिए देखते हैं आप, ठीक है। तो
रिप्रोडक्शन से पहले मैं बता दूं आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म जो फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, ठीक है, जो हमें चैप्टर सेकेंड के लिए चाहिए होगा, सेकेंड नंबर चैप्टर के लिए, ठीक है। तो वो हो गया एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब क्या, जो एक साल में ही जिएगा और उसी में एक बार फ्लावरिंग करके मर जाएगा, ठीक है, हो गया पीस। एनुअल मतलब एक बार, ठीक है। बाइनियल मतलब दो, जो प्लांट जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो साल लगाता है उसे कहते हैं बाइनियल, जैसे ओनियन एग्जांपल है, ठीक है। पेरेनियल मतलब क्या, पी से पोलियो होता है, मतलब बहुत, जो प्लांट दो साल से ज़्यादा जीता है, एग्जांपल मैंगो बनाना देखते हैं ना, कई साल तक जिए रहता है, तो उसे हम कहते हैं पेरेनियल प्लांट, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया हो ये टर्म, एनुअल बाइनियल और पेरेनियल, ठीक है। तो उसी तरीके से काफ़ी अनयूजुअल फिनोमिनन देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में, कि अब हम बात करें उसमें से किसी का, तो बेम्बो। बेम्बो प्लांट क्या होता है यार, 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार ही अपना फ्रूट प्रोड्यूस करता है और मर जाता है, ठीक है। और स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना जो है ये 12 साल में एक बार फूल फूलता है। तो लास्ट इसको देखा गया था 2006 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो इसका 12 साल जो होता है वो हो गया 2018 में, ईस्टर्न घाट कर्नाटका में होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अभी दो और टर्म बता दूँ आपको मैं, मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक, ठीक है, एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक क्या है ये, मोनो मतलब एक, ठीक है, जो प्लांट सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेगा उसे हम कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट, और जो बहुत बार फ्लावर करेगा उसे कहेंगे हम पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। तो मोनोकार्पिक का एग्जांपल हो गया बेम्बो, क्योंकि बेम्बो एक बार ही फ्लावर करता है, ठीक है। ऑल एंड ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक, क्योंकि एक ही बार फ्लावरिंग करता है। पॉलीकार्पिक में हो गया मैंगो, मतलब बहुत बार फ्लावरिंग करेगा, देखते ही है, हर साल फूल फूलता है, आम निकलता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। अब बात करते हैं साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो साइक्लिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट में, ठीक है। तो उसका अलग अलग नाम है। प्राइमेट मेमल का केस में जैसे मंकी ह्यूमन हो गया, उसमें उस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। चैप्टर 3 में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, ओके। सिमिलरली नॉन प्राइमेट्स में भी सिमिलर तरीका का साइकिल होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है फीमेल्स में, उसे हम कहते हैं ओस्टस साइकिल, ठीक है, जैसे कुत्ता बिल्ली काउ शीप डॉग टाइगर, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो यूटेरस है यहाँ का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये ब्लड के फॉर्म में निकल जाता है एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। बट ओस्टर साइकिल में क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम होगा ना यूटेरस में, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, इनके सब ओस्टर साइकिल ये है, ये टूटता टूट के गिरता नहीं है, ठीक है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है इस तरीके से। ह्यूमन में ये टूट के गिरता है इसलिए ब्लडिंग होता है पीरियड्स, ठीक है, बट इनके सब ओस्टर साइकिल ये रीअब्जॉर्ब होता है यूटेरस में, इसलिए कुत्ता बिल्ली डॉग में इनके पीरियड्स में, इनके साइक्लिकल चेंजेस में ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये तो साल का 12 महीना में ही रहता है, हर महीना में एक बार होता है, ठीक है। तो 12 महीना में कभी भी अगर कॉपुलेशन हो तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस है, दैट इज बच्चा प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं रहता है प्राइमेट्स में, उसे को हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, क्योंकि कंटिन्यूअसली पूरा साल ब्रीड कर सकता है, ठीक है, कोई भी महीने में। बट ओस्टर साइकिल पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, पर्टिकुलर मंथ में ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जब नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो उसे हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ देख लीजिए बढ़िया से, सीजनल ब्रीडर मतलब क्या, पर्टिकुलर सीजन में करेगा। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब क्या, जो थ्रू आउट द ब्रीड करेगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ बढ़िया से। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में फ्लावरिंग प्लांट का एंड चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो यार ये 3 स्टेज में डिवाइड हो जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को आप शादी पकड़ लीजिए तो शादी का पहले का जो सारा अरेंजमेंट होगा वो इवेंट में आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन में, और शादी का बाद जो सारा अरेंजमेंट रहेगा जो तो जो भी हो उसको हम इंक्लूड करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल पार्ट को हम पढ़ते हैं, चलिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड करता है आपका गेमिटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन से पहले है ना, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा स्पर्म एंड ओवम का। तो यार स्पर्म ओवम का फ्यूजन होने से पहले ये तो बनना पड़ेगा, बनेगा, फिर दोनों को मिलना पड़ेगा, डेट इज ट्रांसफर होना पड़ेगा,
तभी ना जाकर फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बनेगा, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आइदर मेल और फीमेल, एंड गैमेट ट्रांसफर में मतलब गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। पढ़ेंगे अभी उसको, चलिए। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोगैमेट और आइसोगैमेट। मतलब क्या होमो मतलब क्या, सेम, ठीक है। जो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट देखने में स्ट्रक्चरली एंड साइज इन शेप में सिमिलर होता है उसे कहते हैं हम होमोगैमेट्स। एग्जांपल है क्लेडोफोरा, ठीक है। और जो गैमेट देखने में यार डिस्टिंग होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग होता है, अलग अलग होता है, जैसे ये स्पर्म हो गया, ये एग हो गया, पता ही चल रहा है ये स्पर्म है ये एग है, डिस्टिंग कर पा रहे हैं हम, दोनों अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोगैमेट, ठीक है। हेटेरो मतलब अलग, ठीक है। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, फ्यूकस, ठीक है। अब उससे पहले मैं कुछ आपको टर्म डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, डेट इज सेक्चुअलिटी एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ टर्म है, बड़ा सिंपल है या इतना कंफ्यूज नहीं होना है। तो होमोथेलिक एंड मोनोशियस मतलब क्या, कि बाइसेक्चुअल कंडीशन को डिस्कस करता है, मतलब एक ही बॉडी में दो ऑर्गेनिज्म, दो फीमेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, ठीक है, होमोथेलिक में। और हेटेरोथेलिक में क्या होगा, यूनिसेक्चुअल कंडीशन डिराइव करेगा। जैसे कि हो गया हेटेरोथेलिक का बात करें तो मार्केंसिया, ठीक है, ये मार्केंसिया का बात करें हम, ठीक है, तो इसमें मेल अलग बॉडी में रहता है एंड फीमेल का अलग प्लांट होता है, ठीक है। और होमोथेलिक और मोनोसियस का बात करें हम, तो इसका केस में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुकुरबिट्स, ठीक है, कुकुरबिट्स जो होता है उसमें उसी प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रहता है, एक ही प्लांट में मेल ऑर्गेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन रहता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं स्टामिनेट। मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टामिन, मतलब सिर्फ मेल फ्लावर रहेगा सिंगल, ठीक है। पिस्टलेट मतलब क्या, सिर्फ फीमेल को बियर करेगा। एग्जांपल है पपाया, पपाया में अलग अलग प्लांट में मेल रहते हैं और अलग प्लांट में फीमेल रहते हैं, एक साथ नहीं रहते, ठीक है। और इन केस ऑफ एनिमल हम कंडीशन को कहते हैं मोनोइसियस एंड डायोसियस, ठीक है। तो मोनोइसियस मैंने बोला ही, बोथ मेल एंड फीमेल सेम बॉडी में रहेगा, ठीक है। एग्जांपल है कुकुर बीच कोकोनट, डाय और डायोसियस हो गया आपका अलग अलग रहेगा, ठीक है, सेपरेट इंडिविजुअल में, पपाया एंड डेथ प्लम इसका एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक टर्म आपको मिलेगा हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब कुछ नहीं, मोनोसियस कंडीशन ही है, इनके सब एनिमल इसे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है अर्थवर्म, अर्थवर्म में आपका क्या होता है कि एक ही अर्थवर्म में आपका टेस्टिस भी रहेगा, ओवरी भी रहेगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में है, ठीक है। और प्लांट का केस में बात करें तो पढ़ा हुआ है दुनिया भर का एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं छारा का केस में भी, ठीक है। हुआ छारा का केस में क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर चीज अब क्या है, एंट्रेंस में पूछता क्या है कि छारा का केस में जो होता है वो फीमेल जो होता है, फीमेल पार्ट वो ऊपर में रहता है, ठीक है, ओवरी, और मेल पार्ट नीचे में रहता है। बट इन केस ऑफ अर्थवर्म जो टेस्टिस है वो ऊपर में रहता है और ओवरी नीचे में रहता है, ठीक है। इसका डायग्राम है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा, नेट में, नीट में आपका लेबलिंग का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। तब हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, समझने का कोशिश कीजिए। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, याद रखिएगा, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, ठीक है। गैमेट जो होता है हमेशा हैप्लोइड होता है। तो अब अगर कोई सिंगल हैप्लोइड पेरेंट है, कोई ऑर्गेनिज्म में अगर हैप्लोइड है, तो वो गैमेट कैसे बनाएगा, थ्रू माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तभी ये जाके एन से एन बनेगा, इक्वल बनेगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म डिप्लोइड है, गैमेट उसका हैप्लोइड होगा, तो वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा आपका मेयोसिस से। जैसे एग्जांपल हो गया आपका ह्यूमन का केस में, ठीक है, ह्यूमन हम तो डिप्लोइड होते हैं, तो हमारा गैमेट जो बनेगा वो बनेगा मेयोसिस से, क्यों, बिकॉज मेयोसिस इज ए रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो वही यहाँ मैं कह रहा है, इसके विषय में आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, वो सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ओनियन का होता है डिप्लोइड 16, ठीक है, तो हैप्लोइड कितना होगा आपका, 8 होगा। ह्यूमन का होता है आपका बॉडी में सेल में 46 क्रोमोसोम, तो गैमेट में कितना होगा, हैप्लोइड 23। इस तरीके से एक चार्ट है एनसीईआरटी में, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमने देखा गैमेट और गैमेट का टाइप, गैमेट, ठीक है। तो अब गैमेट बन गया तो गैम फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजोरिटी केसेस में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म
वो मोटाइल होता है, उसका टेल होता है, ठीक है, और फीमेल का जो ओबम होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, स्टेशनरी होता है। सो मेल को स्पर्म को यहाँ पहुँचने के लिए मीडियम का जरूरत होता है, तो मिनी अलगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में वो मीडियम जो है वो होता है वाटर, ठीक है, बट ह्यूमन का केस में उसका मीडियम चाहिए नहीं क्योंकि स्पर्म ट्रेवल करके पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हम पढ़ेंगे अभी। तो क्या है कि पानी में अब फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम होता है क्योंकि वाटर का करंट से कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है मेल गैमेट वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन का चांसेस रहे। अगर 50 स्पर्म का बदले 500,000 स्पर्म जाए तो पक्का फर्टिलाइज करेगा ही करेगा, कोई ना कोई तो जाके वो भम से लगेगा ही वाटर में, है कि नहीं। तो यही बात बता रहा है यहाँ हमें, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सब फ्लावरिंग प्लांट तो फ्लावरिंग प्लांट में आपको चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा अबाउट पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये एंथर होता है, ठीक है, ये सपोज एंथर है, ठीक है, ये एंथर है, फिलामेंट है, तो यहाँ में होता है आपका पोलन ग्रेन इस तरीके से चार स्ट्रक्चर में, ठीक है, पोलन ग्रेन, ओके, यहाँ में अगर इसको काटा जाए तो पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन आपका इस तरीके से जाके आपका ये पिस्टिलेट स्टिग्मा इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेट कंटेन करता है, और ये पिस्टिलेट यहाँ ओवरी के अंदर कंटेन करती है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर में होता है आपका एग, ठीक है। तो ये कैसे पहुँचेगा ये पोलन ग्रेन, तो उसके लिए सर्टेन एजेंट होता है, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू डी स्टिग्मा ऑफ फीमेल इज नोन एज पोलिनेशन, ठीक है। और यहाँ से ये पोलन जब पहुँच जाएगा तो ये पोलन ट्यूब इस तरीके से बनाएगा ताकि मेल गैमेट को यहाँ अंदर पहुँचा पाए, नहीं तो यहाँ से ये इधर कैसे पहुँचाएगा, तो ट्यूब बनाता है, ठीक है। इसका बारे में हम डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो बस एक याद रखिए कि पोलिनेशन होता क्या है, ठीक है, पोलिनेशन है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। सो जैसे कि मैंने बोला पोलिनेशन होता है, फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होकर यहाँ पहुँचा देगा मेल गैमेट को, तो उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन मैंने बार बार बोला ही है, फ्यूजन होकर डिप्लोइड जायगोट बनाएगा, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलर एक फिनोमिनन का बात करते हैं जहाँ बिना फर्टिलाइजेशन का ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अरे बड़ा अजीब है भाई, बिना फर्टिलाइजेशन का ही बन जाता है, जैसे कि रोटी फॉर्म में होता है, हनी बी में होता है, टर्की बर्ड्स में होता है, ठीक है। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या? पार्थिनोजेनेसिस, बस याद रखिएगा इसको, और कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म जन्म हो जाएगा, ठीक है, ये पिकुलर करे फिनोमिनन है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक हो गया एक्सटर्नल और एक हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब इन अंदर, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी का अंदर में होगा उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी होगा उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को या सिंगेमी को हम मतलब सेम ही है, ठीक है दोस्तों। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है आपका अलगे, फिशेस, एम्फीबिया, ठीक है, मछली अपना स्पर्म छोड़ता है, फीमेल मछली एग छोड़ता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल बोले तो फंगाई, रेप्टाइल्स, बर्ड, मेमेल, ह्यूमन को भी देख लो, ठीक है, इंटरनल ही ना होता है, माँ के अंदर में बच्चा जन्म होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। प्री पढ़ लिया हमने गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट बन गया, ट्रांसफर भी हो गया, मिल भी गया, मिल के फ्यूजन हो के जायगोट भी बना दिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब वो जायगोट कैसे डेवलप होता है वो सारा हम पढ़ेंगे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। डेट इज इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है दोस्तों। तो जायगोट तो डिप्लोइडी होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन का केस में जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो हो गया डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रायो, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम एम्ब्रायोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है कि जायगोट सिंगल सेल होता है, एक सेल, वो माइटोटिकली डिवाइड करके सेल, बहुत सारा सेल बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से माइटोटिकली डिवाइड करके मोरूला बनाएगा, मोरूला से ब्लास्टूला बनाएगा, ब्लास्टूला से गैस्टूला बनाएगा, ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। गैस्टूला बनने के बाद सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई बोलता है मैं हार्ट बनूंगा, कोई बोलता है मैं किडनी बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं अभी नाक बनूंगा, कोई बोलता है मैं कान बनूंगा, कोई बोलता है मैं लिवर बनूंगा, ठीक है।
सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद पार्टिकुलर इस टिश्यू में सब बन जाता है कि ये लीवर टिश्यू बन गया, वो किडनी टिश्यू बन गया, तो उससे पार्टिकुलर ऑर्गेन बन जाएगा। और 9 महीना का पीरियड में बच्चे का, ह्यूमन का केस में 9 महीना में पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट समरी है ये बस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवन ह्यूमन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में दिया नहीं है, वो हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 में। तो डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जायगोट का डेवलपमेंट का डिपेंड करके एनिमल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है ओविपेरस और एक है विविपेरस। ओविपेरस में क्या होगा, डेवलपमेंट जो होगा वो आउट ऑफ आउटसाइड द बॉडी होगा, क्या आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, अंडा वो देगा, एनिमल जो है वो अंडा रिलीज कर देगा एंड दे हैव ए कैल्केरियस कवरिंग, ये जो है अंडा का बाहर जो होता है ना कैल्शियम का कवरिंग, ताकि अंदर का ऑर्गेनिज्म डैमेज ना हो जाए और जो डिवीजन होगा वो डैमेज ना हो, और एक समय आके वो हैच कर जाएगा। ठीक है, और जिसका जायगोट का डेवलपमेंट बॉडी का अंदर होता है तो उसे कहते हैं विविपेरस, मतलब वो डायरेक्ट यंग वन को जन्म देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये तो ओविपेरस और विविपेरस ही कह रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। सो अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, जायगोट का डेवलपमेंट होना। बच्चों यहाँ बस मैं कुछ टर्म ही बताऊंगा, चैप्टर पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम चैप्टर 2 में करेंगे बहुत अच्छे से, आप यहाँ बस कुछ टर्म याद रख लीजिए। ठीक है, इधर से इस तरीके से पोलन गिनाएगा, ठीक है, और इस तरीके से एक से फ्यूजन होकर आपका बनाएगा क्या, जायगोट, है कि नहीं, जायगोट बनाएगा फ्यूजन होकर, फ्लावरिंग प्लांट का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जायगोट जब बन गया, ये जायगोट डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रायो। ठीक है, और मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर आप लोग को बनाया था, इस तरीके से आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये पिस्टिल है, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ये ओवरी, ओवरी के अंदर में है आपका ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जायगोट तो यहाँ में जो जायगोट था वो बन गया एम्ब्रायो। ठीक है, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये बन जाएगा आपका सीड, गुटी जो होता है ना, और ये जो ओवरी है ये बन जाएगा आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसका बाद इसका एक आउटर कवरिंग ऐसे तरीके से डेवलप हो जाता है फ्रूट का, जिसे हम कहते हैं पेरिकप। मैंगो खाए हैं ना, तो मैंगो का जो गुटी है ना वो गुटी बनता है ओव्यूल से। ठीक है, मैंगो फ्लावर का ओव्यूल से, फ्रूट जो खाते हैं हम वो बनता है ओवरी से, और छिलका जो होता है उसे कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैंने अपना पूरा अच्छे से बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए। और यार आप इस वीडियो को HS सेकेंड ईयर के हर बच्चे को शेयर करें जिसका कॉन्सेप्ट और डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और इसके बाद आप NCERT पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा, आई कैन गारंटी दैट। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सुबह 4 बज गया तब भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ताकि स्टूडेंट को दे पाऊँ, क्लासेस रहते हैं मेरे, उसके बावजूद मैं सब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार भरपूर दीजिए, और गाइस शेयर जरूर कीजिए, और पक्का है समझ में तो जरूर आएगा, आप जिसे भी शेयर करेंगे वो जरूर आपको बोलेगा धन्यवाद भैया आपने शेयर किया दीदी कि मुझे अब समझ में आ गया मेरा कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।